तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 20 फुट ऊंची चट्टान एक ढलान पर ऐसे रखी हुई है कि जिसको देखकर लगता है कि ये अभी लुढ़क जाएगी, लेकिन ये चट्टान पिछले 1200 सालों से ऐसे ही रखी है बिना लुढ़के। एक बार तो पुराने समय में एक राजा ने इस चट्टान को 7 हाथियों से बंधवा कर खिंचवाया ताकि ये गिर जाए, लेकिन ये चट्टान फिर भी नहीं गिरी। इस चट्टान को कृष्ण बटरबॉल नाम से भी जाना जाता है, और हैरानी तो इस चीज़ को देखकर होती है कि कुछ लोग इसकी ढलान वाली साइड पर बैठकर छांव का मज़ा लेते हैं। इथोपिया में मुर्सी नाम की एक जनजाति रहती है। इस जनजाति की महिलाएं लकड़ी के ओठों के लिए प्रसिद्ध हैं। दरअसल ये महिलाएं अपने निचले ओठ में एक लकड़ी की प्लेट फंसाई रहती हैं। इनके यहाँ जब भी कोई लड़की 15-16 साल की हो जाती है तो उसके निचले ओठ को बड़े ही दर्दनाक तरीके से छेदा जाता है, जिसमें कि वो लड़की लकड़ी की प्लेट पहनती है। और गैस इन लोगों का ये मानना है कि इस तरह की लकड़ी की प्लेट पहनने से अपने ओठ में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। उसके अलावा उन लड़कियों का अपने पति के प्रति भी प्रेम झलकता रहता है, और जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है उसके बाद वो अपने ओठ में इस तरह की कोई भी लकड़ी की प्लेट नहीं फंसाती। आपने विदेशी हैकर तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज भारत का भी हैकर देख लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाला हामिद अशरफ, जो मात्र इंटर पास है, उसने इतना बड़ा क्राइम कर डाला कि जिसके बारे में आम आदमी के सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल हामिद अशरफ ने इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन कर डाला जिससे उसने IRCTC की वेबसाइट ही हैक कर डाली, और इसके थ्रू वो IRCTC की ई टिकट्स को और लोगों को बेचा करता था। इसके लिए पूरे भारत में उसने अपना जाल फैला रखा था जिसमें 150 से ज़्यादा लोग सम्मिलित थे, और इस काम के थ्रू हामिद अशरफ हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए की इनकम इकट्ठा किया करता था। IRCTC और CBI ने मिलकर हामिद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, और फिर पता चला कि हामिद अशरफ के इंडिया के अलावा नेपाल और सऊदी अरेबिया में भी ठिकाने हैं। चिप्स खरीदते समय तो आपने भी नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा तो हवा भरी रहती है, तो दरअसल ये कोई साधारण हवा नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और इस नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में भरने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है चिप्स के पैक का, उस समय उसके अंदर चिप्स टूटते नहीं हैं, और दूसरा कारण ये कि नाइट्रोजन गैस भरी होने की वजह से इन चिप्स में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से ये चिप्स ख़राब नहीं होते और बिल्कुल क्रंची बने रहते हैं। अगर नाइट्रोजन की जगह इन चिप्स में ऑक्सीजन भरी हो तो ये चिप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। कतर एक बेहद ही अमीर देश है, यहाँ की बिल्डिंग्स तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ की सड़कें तो बहुत बुरी तरह से तपने लगती हैं, और उसका एक कारण ये भी है कि सड़कें जब काली होंगी तो उतने ही ज़्यादा वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगी, उतना ही ज़्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ पर अब सड़कों को नीले रंग से रंगा जा रहा है, जिसकी की वजह से सूरज से आने वाले प्रकाश को वो सड़कें रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और जिसकी वजह से उन सड़कों का टेम्परेचर पहले की अपेक्षा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है।